वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से महेंद्र सिंह धोनी मैदान से बाहर है। इस पर कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लगातार सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी के न खेलने पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ धोनी T20 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर भी कई सवाल पूछे जाएंगे। इस पर सौरव गांगुली का बड़ा बयान आया है सामने। आइए जानते हैं, आपको बताते हैं कि क्या सौरव गांगुली का बयान है। इससे पहले आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले टीम इंडिया का जब सिलेक्शन हो रहा था, तब बातें करी जा रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होने वाली सीरीज में खेल सकते हैं, लेकिन उसके बाद से धोनी की तरफ से ऐसा कह दिया गया कि धोनी अवेलेबल नहीं। पर कुछ पॉजिटिव साइंस मिले थे, धोनी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। धोनी के फैंस के लिए बड़ी खबर है कि धोनी ने प्रैक्टिस तो शुरू कर दी है, इसलिए कि धोनी अब तैयार है मैदान पर उतरने के लिए। हो सकता है आने वाली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब घरेलू सीरीज होगी तब धोनी वनडे खेल सकते हैं। इसके साथ साथ IPL भी महत्वपूर्ण होगा धोनी के लिए। आप सभी को पता होगा कि धोनी IPL के लिए धोनी सबसे बेस्ट माने जाते हैं और IPL के सबसे बेस्ट फिनिशर भी है। कई बार उन्होंने टीम को मझधार से निकाला। एक मैच आपको याद होगा कि जब धोनी ने पंजाब के खिलाफ एक मैच में 23 से 24 रन चाहिए थे और धोनी ने 21 से 22 रन बना दिए थे। सौरव गांगुली ने कहा है कि एक बार फिर से बोर्ड के चेयरमैन से पूछा गया कि धोनी T20 वर्ल्ड कप खेलने पर, उन्होंने कहा है कि धोनी के वर्ल्ड कप खेलने की बात पूछी गई तो आप धोनी से पूछिए। धोनी जुलाई में इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप के बाद किसी भी सीरीज में नहीं खेले हैं, क्रिकेट से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज हो, बांग्लादेश हो, फिर दक्षिण अफ्रीका हो के खिलाफ अनुपलब्धता जताई है और आगे उनकी खेलने की उम्मीद अभी कम है। हालांकि एक इवेंट में धोनी पर इस पर बात पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इस पर जनवरी तक उनसे पूछा ना जाए। इसके अलावा कुछ दिन पहले शास्त्री ने जहां धोनी के IPL के बाद फैसला लेने की बात भी कही थी, वहीं गांगुली ने कहा था कि धोनी के भविष्य को लेकर बोर्ड और उनके बीच कुछ साफ हो चुका है और समय आने पर इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। वर्ल्ड कप में धोनी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन आपको बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले धोनी बेस्ट फॉर्म में थे और उन्होंने अच्छे एवरेज के साथ रन बनाए थे, जिसके बाद उन्हें आलोचनाओं की सामना करना पड़ा था वर्ल्ड कप के खराब प्रदर्शन के लेके। लोग उनके संन्यास की चर्चा भी करने लगे थे। इन सब के बावजूद 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में धोनी के खेलने को लेकर चयनकर्ता MSK प्रसाद और टीम मैनेजमेंट भी हामी भर चुके हैं, उनकी मौजूदगी की तरफ इशारा भी कर चुके हैं। यानी भले ही धोनी अभी न खेले पर आने वाले टाइम में धोनी टीम के लिए खेलेंगे और T20 वर्ल्ड कप में अपनी उपलब्धता जताएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या धोनी वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर IPL तय कर देगा कि धोनी वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने सुझाव ज़रूर दें।